नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत प्रथमे हेडलाइंस। परलाखेमुंडी एसीएफ मृत्यु मामला आज सौम्यों ऑफिस जीव पुलिस सत खोज साइंटिफिक टीम गतकाली परिवार लोकों उपस्थित रे सौम्य जली जाइथिबा घरे करिछि तदंत। परीक्षा पर यूजीसी गाइडलाइन अक्टोबर एक रु आरंभ हो नुआ शिक्षा वर्ष एडमिशन नकले फेरस्त पाइबे टंका सेप्टेम्बर 30 सुधा सर एडमिशन। कंधमाल पारिवारिक कलहर करुण परिणति दुई पिलांकु कुओकु ठेली मारिदेला मां हत्या पर मां निजे आत्महत्या उद्यम करिथिबा अभियोग बालीगुडार रायकियारे चांचुंड। राज्य में पुणि 67 जीवनला भाइरस खोर्धारू रेकर्ड 25 मृत्यु 24 घंटा 2182 पॉजिटिव खोर्धारू 510 कटकू 308 नुआ केस। मुख्यमंत्री अध्यक्षतारे आज राज्य कैबिनेट संध्या 5:30 भिसी जरिया बैठक विभाग परिवर्तन ठू नहीं विभिन्न प्रसंगे होपे आलोचना गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को मिलपे अनुमोदन। शेषे बाहुड़ाई प्रस्तुति आरंभ आज तीन रथर हो दक्षिण मोड़ गतका शेष होरा पंचमी नीति अभिमान में मां महालक्ष्मी भांगे नंदीघोष रथर काठ। बुलेटिन आरंभ करने गुरुत्वपूर्ण खबर रु परलाखेमुंडी एसीएफ मृत्यु घटना सौम्यों कार्यस्थल को जाई तदंत कर पुलिस सुराग खोल साइंटिफिक टीम गतकाली परिवार लोकों उपस्थित में सौम्य जो घरे जली जाते तहार ताला खोला जाता जो थे सांघातिक तथ्य सामना को आसी से ही घरे के भी लगिनि कला दाग मजिस्ट्रेट उपस्थित में गजपति परलाखेमुंडी में सौम्यों सरकारी क्वार्टर खोल जाए सामना को आसी एभली संगीन तथ्य घरे सौम्यों छड़ा आउ कौन जिनस दाग नथिबारु सौम्यों को हत्या करा जाइथिबा अभियोग आनी परिवार सौम्यों स्त्री विद्या भारती डीएफओ एवं रोसियां नारे रुजु होई मामला खूब शीघ्र सेमानंकु जेरा कराजिबो बोली कहिछि पुलिस। यासह साइंटिफिक टीम जबत करिथिबा लैपटॉप रु किछि खियो मिलिपारे बोली आशा रखिछि पुलिस। पारिपार्श्विक प्रमाण रु सौम्यों हत्या सन्देह घनीभूत होई प्रश्न उठुछि सौम्य जळिले केमिति दुर्घटना दिन घरे सौम्यों सह थिले स्त्री विद्या भारती निया लागिबा नै केमिति जानि पारिलेनी विद्या जदि निया लागिला घरे अन्य सब जिनिष केमिति सुरक्षित थिला सौम्यों सरकारी बासभवन निकटे सीसीटीवी जांच हेब त तबे संपर्क रे अधिक सूचना पाई वर्तमान आम सहित जोड़ी होती सदासल आम प्रतिनिधि जितेंद्र बारिक जोड़ी होती। जितेंद्र कौन अपडेट आसुची जहां सूचना आसुची आज सौम्यों कार्यस्थल को जीव साइंटिफिक टीम एवं पुलिस अधिकारी निश्चित भाव चिन्मयी गोटे कथा जो कह गत मजिस्ट्रेट एवं पर बापा और भाई सामने ही से जो घरे रोते सौम्य डीएफओ ऑफिस परिसर में या घर को खोल जाए तन थन कर तदंत किसी चांचल्यक तथ्य पाई साइंटिफिक टीम पाई जहाँ वकिल जहाँ थे कल सूचना दौले आमको किसी हाथ लेखा खाता पाई से किसी बंड पेपर एवं से कार्य मानसिक चापर थोड़ा कथा कही आम भाई अच्छा आम सहित सहित सीधा साल आलोचना करा पचारि बुझा आपड़ कल जाइए सेटा को सर से जो जो घर थी से घर को जाइए कौन कौन देखे से आम जहाँ देख लु से पारिपार्श्विक कौटे निया लगे केवल सौम्य को छाड़देले स्त्री थे कि जापारे संपूर्ण घटना एटा आज्ञा प्रथम तो कथा मुझे कहबी कि इट्स ए प्री प्लांड मर्डर सिंपल इट्स ए प्री प्लांड मर्डर कहीं कहूँ प्री प्लांड मर्डर कि आम जहाँ कल पारिपार्श्विक परिस्थिति देखिलु से कौन सी लोक गोटे इवेन गोटे छोट जो कौन सी जीव को भी आप पोड़े तार जो पारिपार्श्विक परिस्थितर तार स्मेल तार गंध तार जहाँ भी जिनस किसी आमको लगलानी केवल आउ घरटा भी एत बहुत बड़ ना नुहे गोटे लोक पोड़गला 90% आ गोटे लोक जापारे
तेणु एटा मर्डर स्पॉट बिल्कुल नु ताकु आउ कोठी से माने मारी चंती मारी के आनी के एठी आपण देखै चंती कि एटा गुटे स्पॉट बोली किंतु एग्जैक्टली सेटा स्पॉट नु आउ से स्पॉट रे आमे जहां देखिलु कागज पोडीला भलिया छोटो छोटो तीन चारटी कुटुकुडा पडितला आउ ता सहित से जो कांथ किंबा फ्लोर किंबा से जो तास पाख आखपाख रे थिबा जिनिस जमितिकी तार प्लास्टिक डिब्बा हो कटन जा आपणकर डोर कटन हो किंबा से जो फ्लोर मैट हो किछि हेनिया तो आमे तो कोन विश्वास करबो एटा मर्डर टा गुटे सुकर माने पूरा प्लांड मर्डर बाहरु मर्डर हेचिलो आम भाई को आ एठिक नियाइ छ आ से मर्डर रे संपूर्ण हमरो आमे तो आउ कहारी को आमे कहा जानिनु जेहेतु भाई आउ बहुत थिले तनो ऑबवियसली बहुत आपने जदि कथा कह साइंटिफिक जो तदंत करते साइंटिफिक टीम आसी तदंत करुला किसी तथ्य मानने जहाँ कह लैपटॉप सीज कर हाथ लेखा डायरी जो जो छोटिया खाता था से कौन थी कह से तो आम पूरा एजाए आम कि पढ़ीनु जेहेतु पुलिस इन्वेस्टिगेशन चली तेणु पुलिस भी आमको सब जिन तो रखनी हेफाजत भी किसी अच्छी फोरेन्सिक टीम अच्छी बट आम जी शुणीचु बहुत शारीरिक प्लस मानसिक दुईटी जाक चापरे थिले एबे आमर स्टेटमेंट रेकर्ड चली स्टेटमेंट रेकर्ड सरला परे तापरे उच्च उच्च पदस्थ अधिकारी सहित आम देखी देखा करिवार योजना अच्छी देखा करी तापरे केते भरोसा अच्छी पुलिस आपन न्याय दबो बोली केते भरोसा आमर तो बहुत संपूर्ण भरोसा पुलिस उपरे अच्छी आ पुलिस उपरे न रखिले आम क्या उपरे रखिबो जेहेतु इट्स ए मर्डर केस तेणु आम तो ऑब्वियसली पुलिस उपरे भरोसा अच्छी आ पुलिस एपर्यंत आम सहित भी कोऑपरेट करुच्छी आम जहाँ कौचु आमको साहय करुच्छे आम भावुचु को फ्यूचर अवश्य साहय करेंगे आ उचित दंड जी दोषी ताकू मिलवा दरकार किंतु गोटे जिनस मो टे रही जाए लगुच मन को जे एजा पर्यंत आम तीन जन ना एफआईआर देचु कि जड़े हेले भी कहीं कस्टडी को आसी ना एटलिस्ट आमर जी भाई बहू सी तो आसवा कथा बट ए जाए आसी ना एनी हाउ आमर चली स्टेटमेंट रेकर्ड तापर आम कौन आलिस कौन जन को नहीं आपदिन है कौन नहीं भाव मे बी किसी थपे ये तो टेक्निकल जिनस आम सब जिन तो कहींपर ये कोर्टर विषय तथापि आशा करुचु कि गोटे दुई दिन आज किंबा का मे भी आनी पारे देखुलू से पारिपार्श्विक जो मोड़ी डबा था थर्मोकोल से पाखे से टोटे टिके निया खंड लगे किंतु से जगार ही पड़ी जाए कहीकि स्त्री कौन दू जितेबाला आम इनिशियल मो मामू कथा बोहूं सहित से कही कि चेयर उपरे बसी आटू से गोटे प्लास्टिक चेयर आ चेयर टा आप देखी सहित गोटे कला दाग भी ना निश्चित भाव जितेन्द्र आम जहाँ प्रतिक्रिया शुणुलु बर्तमान जो तदंत चली तदंत पर ही सब कथा सामना को आसो बहुत बहुत धन्यवाद जितेन्द्र आपंकर तमाम सूचना आसवर्ती खबर को परीक्षा पर गाइडलाइन जारी कला यूजेसी अतिशीघ्र प्रकाश पाइब विभिन्न परीक्षा फल एंट्रान्स रिजल्ट विलंब हेले भी अक्टोबर एक रु आरंभ हेब नुआ शिक्षा वर्ष कोरोना कारण एडमिशन नकले फेरस्त हेब सबु टंका सेप्टेम्बर 30 सुधा सरब एडमिशन प्रक्रिया अक्टोबर 1 सुधा पीजी और यूजी पाठपढ़ा आरंभ हेब उच्चशिक्षा विभाग अधीन विश्वविद्यालय स्वयंशासित महाविद्यालय और डिग्री महाविद्यालय यूजी और पीजी फाइनाल वर्ष परीक्षा नहीं चिंतार थे छात्र छात्री तेज शेष वर्ष परीक्षा जुलाई अगस्ट मसने अनलाइन मध्यम करने को निष्पत्ति 31 जुलाई 2022 सुधा सर प्रथम वर्ष पिला सेमिस्टर 1 अगस्त 2022 रु नुआ शिक्षा वर्ष आरंभ हो तेज संपर्क में अधिक अपडेट पर सहित फोन लाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि सत्रुपा सामंतराय सत्रुपा अपडेट कौन आसुची यूजीसी एग्जाम नहीं ते परीक्षा पर गाइडलाइन जारी करी यूजीसी अति शीघ्र प्रकाश पाइब विभिन्न परीक्षा फल एंट्रान्स रिजल्ट विलंब हेले भी अक्टोबर 1 रु आरंभ हेब नुआ शिक्षा वर्ष कोरोना कारण एडमिशन नकले फेरस्त हेब सब टंका सेप्टेम्बर 30 सुधा सरब एडमिशन प्रक्रिया अक्टोबर 1 सुधा पीजी यूजी पाठपढ़ा आरंभ हेब उच्चशिक्षा विभाग अधीन विश्वविद्यालय स्वयंशासित महाविद्यालय और डिग्री महाविद्यालय यूजी और पीजी फाइनाल वर्ष परीक्षा नहीं चिंतार थे छात्र छात्री तेज शेष वर्ष परीक्षा जुलाई अगस्ट मास मध्य ऑनलाइन माध्यम करने को परीक्षा निष्पत्ति निया सत्रुपा आम सहित जोड़ी होती सत्रुपा नुआ गाइडलाइन आसी जे यूजीसी वर्तमान नुआ गाइडलाइन जारी कर गाइडलाइन रे अधिक सूचना आसुच्छ
कंधमाल पारिवारिक कलहर करुण परिणति दुई पिलांकु कुओकु ठेली मारी देछि मा एपरिकि हत्या परे मा निजे आत्महत्या उद्यम करिथिबा अभियोग होइछि। एभली घटना को नै बालीगुडार रायकियारे अंचल रे चांचल्य खेले जाइछि। 9 वर्षर पुओ 5 वर्षर झियो को मृत घोषणा करिछन्ते डाक्टर। पारिवारिक कलहरु एपरि कांड घटिथिबा कुआ जाउछि। घटनास्थल रे पहुँचि तदंत आरंभ करिछि पुलिस। तेज संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि राकेश साहू जोड़ी होती। राकेश, वर्तमान मार अवस्था केमती अच्छी और पूरा घटना कौन? हाँ देखो तो चिन्मयी रायका अंचल जो अभियोग घटे वर्तमान मार अवस्था स्थिर रही। गत काली उभय स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा लगे जो स्त्री चल जाइए घर छाड़ी पिला पुआ झी को धरिकी संपर्कित अंचल बर्तन शोकर छाय खेली जाती उभय पु झी मृत्युवरण कला माँ बर्तन जीवन सहित संग्राम कर प्रतिक्रिया आसुची कि कौन कहते से कहीं केवल कांड घटला देख चिन्मय बर्तन सुधा प्रतिक्रिया मिल पार पर लोक किसी संपर्क मुह खोल ना कहीं स्वामी स्त्री मध्य बर्तसा लगे रोला जहाँ साई पड़सा लोक मुताबक विभिन्न समय मध्य झगड़ा लगे रोला। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपंकर तमाम सूचना पाई। राकेश आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होते कंधमाल पारिवारिक कलहर जो करुण परिणति वर्तमान देखा देखाई से नहीं आमको अधिक अपडेट दौले। आगक रही अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु समय हो एक छोट ब्रेक र ब्रेक पर स्वागत। मंगलवार महाप्रभु बाहुड़ा जात्रा एथिपाई आज तीन रथ नेबे दक्षिण बड़ गुंडीचा मंदिर सिंहद्वार सम्मुखर जा नाकचणा द्वार सम्मुख श्रद्धापाली रहिबे तीन रथ। ठाकुर आज्ञामाला आसला परे आरंभ हेबो रथटणा। परंपरा अनुसार आजठू महाप्रभु ठाकुर बाहुड़ा प्रस्तुति नीति आरंभ हेबो। दक्षिण बड़ श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर स्वतंत्र नीति निर्घंट प्रस्तुत हो। सेबड़े बाहुड़ा यात्रा दिन श्रीजीवों निकट में पोड़पिठा भोग लगी हेबार परंपरा रही तेणु मौसी माँ मंदिर में चली प्रस्तुति। स्नेहमयी मौसी जगा बलिया भौणी सुभद्रापाई पोड़पिठा प्रस्तुत करते विभिन्न प्रकार सुवासित द्रव्यर मिश्रण कर पोड़पिठा प्रस्तुत कर मौसी माँ मंदिर में यह पोड़पिठा प्रस्तुत कर। तेज संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित पुरी जोड़ी होती आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष। आलोक, वर्तमान श्रीमंदिर बा गुंडीचा मंदिर दृश्य कौन आसुच्छ? चिन्मय आपण जानते आउ दुई दिन परे पवित्र बाहुड़ा यात्रा से वर्तमान दक्षिण मोड़ प्रस्तुति आरंभ हो सका धूपा पूजा जेहेतु तो किसी समय पर शेष हम महाप्रभु ठार् आज्ञामाला आसवाप रथत्रय को दक्षिण मोड़ कर गुंडीचा मंदिर नाकचणा द्वारा लगे। अंपटे आम अच्छू माँ मौसी मौसी माँ मंदिर आप जानते जिते बड़े बाहुड़ा जात्रा दिन तीन रथ गुंडीचा मंदिर सिंहद्वार अभिमुख गढ़ बाटे पड़ माँ मौसी घर मौसी माँ का पाखे तीन रथ अटकी कहीं मौसी माँ स्नेह भाई भाई पोड़पिठा प्रस्तुत करश्चित भाव में पोड़पिठा प्रस्तुत सीधा सड़क एक्सक्लूसीव दृश्य मध्य आम अगणित दर्शक मानक देखा चाहिए जेहेतु वर्तमान आउ दुई दिन पर बाहुड़ा जात्रा रहा से पोड़पिठा प्रस्तुति बेस द्रुतगति में आगे चलते आज सीधा सड़क दृश्य देखुं माँ मौसी माँ मंदिर में बर्तमान सेवायत मैंने पोड़पिठा प्रस्तुत करहत भाव में अन्य दृश्य को जो भक्त श्रद्धा चर्म चक्षुरे देखिए निहाती भाव में सानिध्य प्राप्ति हे सीधा सड़क दृश्य पोड़पिठा प्रस्तुत चली पोड़पिठा कटा चल जाए सीधा सड़क सेवायत को आलोचना करवा आज्ञा आउ दुई दिन पर बाहुड़ा जात्रा मौसी माँ स्नेह पोड़पिठा देवे तीन रथ अटकी किभली रही प्रस्तुति प्रणाली किभली रही शुद्धिपूत मन में कमी प्रस्तुत कर भाव को निकट अभाव को दूर जगत नियंता कालिया सांत हो दिव्य लीला महाप्रभु मानवीय लीलें रत्न सिंहासन आड़प मंडप को जो नवदिनात्मक जात्रा रे जिते बड़े महाप्रभु फेरती बाहुड़ा जात्रा रे महाप्रभु फेरती आड़प मंडपुर रत्न सिंहासन आड़ को से महाप्रभु अटकी जाती मौसी माँ घरे शास्त्र पुराण में कौट वर्णित अच्छी माँ होती महाप्रभुंर मौसी बा माँ तेणी माँ तार हाथ रंधा पोड़पिठा टेके महाप्रभु तो खाद्य प्रिय आभूषण प्रिय रसिक नागर सीए ताकू बा कि कौन दे पार
तथापि माँ पुओर जो अनाबिल स्नेहर प्रतीक स्वरूप माँ अपेक्षा कर पुओ आस पुओ आसूँ माँ पाखक यही भावर बंधन यही बंधन भितर छपन पौटर मालिक कालिया महाप्रभु पोड़पिठा टी खाई निजक आत्मसंतोष लाभ करते पोड़पिठा प्रस्तुत रही है कौन कौन मिश्रण कराए के शुद्धिपूत मन में भक्तिर सहित आप प्रस्तुत करतवर्ष आप प्रस्तुत कर ये हूँ भावर कथा महाप्रभु यू पोड़पिठाटी बहुत पुरतन परंपरा बरसक जाक आप बहुत प्रकार महाप्रभुरा व्यंजन पाइबे किंतु पिठापणा पाइबे किंतु पोड़पिठाटी आपण पाइबेनि यह केवल बरस को थरे मिलिथाए एवं यही पोड़पिठाटी बहुत निष्ठार सहित तो आम बनई था आम नौ दिन हबिष कर बाहर कौट न खाई बाहर पा न पी घरे केवल अरुआ भात खाई बिना पिज रसुण आम नवदिनात्मक ये उपवास कर महाप्रभुं नीति नीति में अटा भल घी छेना चीनी विभिन्न प्रकार सब मसला अलीच कर्पूर लवंग यार मिश्रण कर राति जाक बांफ मध्यम सीझे बहुत कष्ट गुप्त और कठिन कार्य पोड़पिठा या राति जाक अनिद्रा रही जगवा को पड़े सका पुणी शीतल कर खंड खंड कर काटी भल घी छाणी महाप्रभु प्रस्तुत कराए और जिते बड़े महाप्रभु को प्रस्तुत कराए ता भितर कौट गोटे सुगंध युक्त हो जाए पोड़पिठा ये भोग महान हो जाए तार सुगंधे तार से चिन्मयी प्रतिक्रिया शुणुले विभिन्न सुवासित द्रव्य महाप्रभु पोड़पिठा प्रस्तुत करण गुंडीचा मंडपर आड़पा मंडपर चतुर्दा विग्रह विराजमान होती पोड़पिठा प्रिय कालिया सांत आउ दुई दिन पर आसबे जितेबाला रथ गढ़ गुंडीचा मंदिर सिंहद्वार अभिमुखे बाटर पड़ माँ मौसी घर स्नेहमयी मौसी निजर कहीपर भाई भौणी एवं भाई भौणी चतुर्दा विग्रह को पोड़पिठा खुआबे निश्चित भाव में ए परिवेश अनन्य रही चिन्मयी कितु आज भक्त नहाती बिना भक्त सबकि नीति अनुष्ठित हो सीधा साल दृश्य देखुंत माँ मौसी माँ मंदिर में बर्तमान पोड़पिठा प्रस्तुत चलती अनेक सुगंधित कह बास्ना आसू जेहेतु अति शुद्धिपूत मनरे भक्ति भाव में प्रस्तुत करवायत मैंने निश्चित भाव में परिवेश अत्यंत निरा रही कि सेपटे दक्षिण मोड़ तमाम प्रस्तुति आरंभ हो तीन रथ में दौड़ी संजोग कर किसी समय अपेक्षा आई समय पर तीन रथ टणा दक्षिण दक्षिण मोड़ करा गुंडीचा मंदिर नाकचणा द्वार लगे तीन रथ संध्या सका धूप शेष हाप पूजा पंडा सामंत आज्ञामाला आसवा पर महाप्रभु दक्षिण दक्षिण आरंभ परंपरा जगन्नाथ संस्कृति रे जहाँ मौसी माँ जितेबले बाहुड़ा जात्रा रे प्रभु जगन्नाथ जी से पोड़पिठा परसिबे बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपंकर तमाम सूचना तबे वर्तमान समय हिछु बुलेटिन रा आउ एक छोट ब्रेक रो ब्रेक पर स्वागत आसवा कोरोना संपर्कित खबर को राज्य रे कोरोना मृत्यु रे लागुनी ब्रेक पुणी 67 जीवन नैछि वायरस एथिरे खोर्धारु सर्वाधिक 25 जन मृतक रहिछंती सेपरे गंजाम रो 8 सुंदरगढ़ रो 7 पुरी और मयूरभंज रो 6 जन लेखाएं मृतक रहिछंती एहाकु मिसाय राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 4992 पहुंचे सेपटे 24 घंटा रे 2182 पॉजिटिव चिन्हट होती खोर्धारु सर्वाधिक 510 कटक रु 308 जाजपुर रु 175 और बालेश्वर रु 161 जन आक्रांत रहिछंती देश में किभली तृतीय लहर न आसिबो से दिगरे काम करने को टार्गेट देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यार भितर आगामी 100 दिन को गुरुत्वपूर्ण कहते नीति आयोग सदस्य वीके पल वर्तमान पर्यंत कोरोना लड़ाई समस्त देह में हर्ड इम्यूनिटी होनी वीके पल अनुसार वैक्सीन ने मृत्युहार 82% कमुची से हीपरी द्वितीय लहर कोरोना जनित मृत्यु को 95% कमाइबार सफल हो गरीब असहायक जीवन सह खेल पूरी पिपिलेरे नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान रे अंतवासी संदेहजनक मृत्यु जड़े कि दुईज नुहंती गत 2020 ही 6 जन मृत्यु होता अभियोग एने जातीय दलित आदिवासी आइनोरिटी माइनोरीटी संघर अभियोग परे तदंत प्रतिश्रुति पुलिस तेरे प्रश्न उठू आगर मृतकों पर पक्षर एतला दि जाइले भी चुप बसी पुलिस असहाय को आश्रय देवा नारे हत्या नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान नारे संगीन अभियोग
2020 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 6 ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପୁରୀ କଣାସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୟା ବିହାରରେ ରହିଛି ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 6 ପିଲାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଢ଼ିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 1, ସନ୍ତୋଷ ମଙ୍ଗରାଜ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ଆଶାରେ ଅସହାୟ ବିଧବା ସସ୍ମିତା ମଙ୍ଗରାଜ ନିଜର 16 ବର୍ଷର ପୁଅ ସନ୍ତୋଷକୁ ଏନ୍ଏସ୍ପିରେ ରଖିଥିଲେ। ଗତ ଜୁନ୍ 11 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତଦେହ ସେଠାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବିଜିପୁର ଲୁଣାନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ପୁଅର ମୃତଦେହ ନିକଟକୁ ଯିବାରୁ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 2, କୁନା ମହାପାତ୍ର। ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର 23 ବର୍ଷୀୟ କୁନା ଏନ୍ଏସ୍ପିରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକୁ 7 ମାସ ତଳେ କୁନା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ। କୁନା ପହଁରା ଶିଖିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ବୁଡ଼ିମଲେ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଶାନ୍ତିଲତା। ଏନ୍ଏସ୍ପି ପରିସରରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୁନା ଦେଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଶାନ୍ତିଲତା। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 3, ପୁରୀ ବାଲିସାହିର ନାରାୟଣ ବେହେରା। 7 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ଏସ୍ପିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ମା ଉମା ବେହେରାଙ୍କୁ ଖବର ଯାଇଥିଲା। କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କେଉଁଠି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ମା। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 4, ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ପାର୍ବତୀପୁରର ରାମ ରାଉତ। ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଗରିବୀ ଯୋଗୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏନ୍ଏସ୍ପିରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ରାଉତ ଏନ୍ଏସ୍ପିରେ ନାହାନ୍ତି। ଏନ୍ଏସ୍ପି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରୁ ଆଉ ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ନାଁରେ କୌଣସି ରୋଗୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଠି ରହିଲା କି ମଲା ଖବର ଆସିଲା କେତେ ଦିନ ପରେ, ନାରାୟଣ ବେହେରା ମୋ ପୁଅ ପରା ଆସିକିରି 2-3 ମାସରେ ଖବର ଆସିଲା, ଖବର ଆସିଲା ଆଉ ପାଇଲିନି ଆଉ ନା କିଛି ଦେଖେଇଲେନି। କଣ କଲେ ତ ଆମେ ତ କିଛି ପାଇଲୁନି ଆଉ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ବାସନ ମାରିକି ଚଳୁଥିଲି, ମୋର ସହାୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ନୀଳାଚଳ ସେବା ପଶୁଠାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଟିକେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତି ସରକାର ତରଫରୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଅଭିସନ୍ଦ୍ର ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛି ତାକୁ ଧରାଯାଉ, ଫାଶି ଦିଆଯାଉ, ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୋତେ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିକି ପକେଇଦେଲେ ଗାଡ଼ିଆରେ, କହିଲେ ତମ ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ତମ ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲେ, ଯେମିତି କହିଲେ ତମ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି। ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ପୁଅ ତ ପହଁରା ଶିଖିଛି, ପାଣିରେ କେମିତି ହଠାତ୍ କିଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଗାଧୋଉଥିଲା ନା, ଆଜି କେମିତି ହଠାତ୍ ମରିଗଲା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି, ତାର କାନୁରୁ ନାକୁରୁ ରଡ଼ ବାହାରୁଛି, ଜୀବ କାମୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହି ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଜାତୀୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାଇନରିଟି ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପିପିଲି ଏସ୍ଡିପିଓ। ଆମ ସଂଗଠନ ଜାତୀୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାଇନରିଟି ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ପିପିଲି ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଯେ କଣାସ ଦୟାବେଠାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ତା ଭିତରେ 2018-21 ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। NGO 2-4 ଅଛି କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ନାହିଁ, ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ। ସେଠି କାହିଁକି ଏମିତି ଲୋକ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁରେ ମରୁଛନ୍ତି, ମା ବାପା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ପୁଣି ମରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଉମା ଏବଂ ସସ୍ମିତା ମଙ୍ଗରାଜ ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ କି ଅତି ଗରିବ ନିରୀହ, ମାନେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି ଆଇନ କାନୁନ ଜାଣିନେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ମାରି ଦିଆହେଉଛି। 2 କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମର ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସିନିୟର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ସୁପରଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପିପିଲି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଜୁଡ଼ିସନ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିବି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେଇଟାକୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅନିୟମିତତା ଅଛି ତାକୁ ସେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 2018 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି
ପିଲାମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ନୁହେଁ ତ, ଏତେ ଦିନ ଧରି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଥିଲା ପୋଲିସ? ଏନ୍ଏସ୍ପି ନାଁରେ କଣାସ ଓ ପୁରୀ କୁମାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ? ଗରିବ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ? ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।